नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उसका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरा होगा, जो कि आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सेट किया है, सेम टू सेम लेटेस्ट पैटर्न पे। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। देखिए, 9 से भाज्य होने का क्या रूल है? 9 से, 3 से, 5 से, 2 से, 4 से, ठीक है। तो 9 का जो विभाज्य का रूल है कि जो संख्या दिया हो उसके अंकों का योग, डिजिट का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो गया, ठीक है। 3 से भी सेम रूल है कि यदि संख्याओं का योग, ठीक है, जो संख्या दिया हुआ उसके अंकों का योग यदि ये आपका संख्या होगा, इसके ये डिजिट हो गया एक एक करके, यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होता पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। 5 देखिए क्या है, यदि आपका इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगा। 2 से क्या है कि अंतिम अंग ये इकाई अंक यदि 2 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। 4 से विभाज्य का रूल है कि यदि आपका दो अंक, अंतिम दो अंक, ये दो अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बचा है 7, 11, 13, वो सभी बता दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यो इसका जो आंसर होगा क्या होगा चेक कर लेते हैं। 9 से क्या रूल है कि अंकों का योग आपको 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए, 9 2 11 11 3 कितना होता है? 14 14 9 कितना हो गया? 23 हो गया, नहीं होगा ये आपका, नहीं होगा, कितना हो गया? 9 1 10 10 2 12 12 3 कितना हो गया? 15 15 9 कितना हो गया? 24 हो गया, 9 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 9 कितना हो गया? 21 हो गया, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए, 3 1 4 2 6 3 9 9 कितना हो गया? 18 हो गया, 3 9 से विभाज्य हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा इनके मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? इसका दो तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप देखिए कि आपको क्या निकालने के लिए बोला है, मुर्गी की संख्या मान के चलिए, मुर्गी की संख्या एक्स मान लीजिए, माना मुर्गी की संख्या एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए टोटल जितना, देखिए सिर मस्तक की संख्या, जितना सिर होगा उतना जानवर होगा, टोटल जानवर मेरे पास कितना है? 48 है। यदि टोटल जानवर मेरे पास 48 है, ठीक है, तो 48 में से मुर्गी एक्स हो गया, तो बचा कौन? 48 में से एक्स घटा देंगे, क्या बचेगा आपके पास? गाय बचेगा। कितना बचेगा? 48 माइनस एक्स बचेगा, यही बचेगा दोस्तों। बस मान कर चलिए कि आपके पास 10 रुपये है, जैसे छोटा एग्जाम्पल है, ये 10 रुपये है, 2 रुपये किसी को दे दिया, आपके पास कितना बचा? 8 रुपये बचा। सेम प्रोसेस यहीं पे है कि आपके पास 48 जानवर है जिसमें से कि एक्स क्या आपको मुर्गी की संख्या है, बचा क्या आपको? गाय बचा। गाय कितना बचा? इसको इसमें घटा देंगे, 48 माइनस एक्स। अब देखिए मुर्गी का कितना पैर होता है? 2 पैर है, 2 से गुना कीजिएगा, ये किसका हो गया? मुर्गी का कुल पैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? मुर्गी का कुल पैर हो जाएगा, मुर्गी का कुल पैर हो जाएगा। अब ये क्या है? गाय है, गाय को कितना पैर होता है? 4 पैर होता है, 4 से गुना कर दीजिए, ये टोटल किसका पैर हो गया? ये गाय का टोटल पैर हो गया, ठीक है, गाय का टोटल पैर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जितना गाय होगा उससे उसके पैर की संख्या से गुना कर देंगे, टोटल पैर आ जाएगा। अब बोला है कि टोटल पैरों की संख्या कितना? 140 है, तो मुर्गी की संख्या कितना होगा? इसको गुना कर दीजिए, 2x, दोनों को जोड़ देते हैं, 2x प्लस गुना कीजिए, 8 चौके 32 हो गया, 4 चौके 16 3 19, 192 हो गया, माइनस 4x पावर कितना हो गया? 140 हो गया। अब देखिए 2x 4x कितना हो गया? माइनस 2x बराबर हो गया 140 माइनस 192 हो गया, ये माइनस 2x बराबर कितना हो गया? माइनस 52 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 52 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से काट दीजिए इसको, 26 बार में कट जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 26 हो गया। तो यहाँ पूछा कि आपको मुर्गी की संख्या कितना होगा? 26 हो गया, क्योंकि एक्स ही माने हैं मुर्गी। यदि आपको गाय पूछता तो गाय कितना होगा? 48 में से 26 घटा देंगे, आपका गाय की संख्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। दूसरा तरीका देखिए, ठीक है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, ठीक है, ये 4 पैर के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब देखिए कुल बार कितना 140 में से बट्टे दो हो गया, अब माइनस सी रहा कितना 48 है, ये हो गया 140 सत्तर, सत्तर में से 48 घटा देंगे कितना हो गया 22 हो गया, ये 22 निकला चार पैर वाला, चार पैर वाला कौन है आपको गाय है, तो गाय कितना हो गया 22 हो गया, तो मुर्गी कितना हो जाएगा टोटल जानवर मेरे पास 48 है, 48 में से 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 26 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान कितना होगा। आपको बताया था कि जो औसत होता है लगातार संख्या में जो औसत होता है वो क्या होता है आपको मिडिल संख्या होता है, क्या होता है मिडिल संख्या होता है, औसत मेरे पास कितना है 40 है, ये आपका क्या हो गया मिडिल संख्या, तो पांच क्रमागत सम संख्या है, तो इसके आगे कौन होगा 50 होगा, इसके पीछे लेंगे 46 होगा, फिर आगे कितना जाएगा 52 होगा, पीछे कितना हो जाएगा आपको 44 हो जाएगा। देखिए एक संख्या दो संख्या तीन चार पाँच हो गया, पाँच लगातार आपको संख्या हो गया, सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपको 44 हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको इसका सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए दो संख्याओं में अंतर 14 होता था उनका योग 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर मान के चलिए दो संख्या ए और बी है जिसका अंतर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है और उनका योग कितना दिया हुआ है आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये बी भी कट जाएगा आपको, टू ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 34 हो जाएगा, एक्स का ए का मान कितना हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इसका वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, इसकी क्वेश्चन ये मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ए का मान तो 17 हो गया, बी का मान निकाल लेते हैं, देखिए दो संख्याओं का योग 20 है तो एक संख्या 17 तो दूसरा कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, कितना होगा 17 3 20 हो गया, अब बोला कि दोनों का गुणनफल कितना होगा तो 3 गुना 17 कर देंगे, 17 तिया कितना हो गया 51 हो गया, ऑप्शन कहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 के 8/9 का 45% का 25% कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन है, 350 के 8/9 का 45% परसेंट का मतलब नीचे कितना हो गया 100 हो गया, का 25% कितना हो जाएगा आपको 100 हो गया, चलिए 25 चौके कितना हो गया आपका 100 हो गया, 9 × 5 = 45 हो गया, 20 × 5 कितना हो गया 100 हो गया, ये 0 0 कट गया आपका, 4 × 2 = 8 ये 8 कट गया आपका। ठीक है, ये 9 9 कट गया आपका, बचा कितना सिर्फ 35 बचा, ऑप्शन कहाँ आपको सी में। इसके बाद बोला कि प्रथम पांच आबाद संख्याओं का योग कितना होगा, देखिए इसका कोई रूल नहीं होता, तो पहला आबाद संख्या 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, ये पांच आबाद संख्याओं का योग कितना होगा, सबको ऐड कर देते हैं कितना होता है 3 × 2 = 5 = 5 = 10 = 8 = 17 = 17 = 11 कितना हो गया 28 हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए देखिए कितना 625 बटे कितना है 5 है गुने 144 बटे 3 गुना 0.07 है, तो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, 25 बटे कितना हो गया 5 हो गया, 144 का वर्गमूल 12 होगा, 12 बटे 3 हो गया गुने ये 7/100 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो अब देखिए ये हो जाएगा आपको 25 3 चौके 12 5 चौके 20 हो गया, अब 20 × 5 कितना हो गया 100 हो गया, 7/5 आपका 5 हो गया। ठीक है, 7/5 हो गया, तो 7/5 को इसको दशमलव में ऐड कर देते हैं, 5 × 5 = 5 1.4 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि √1 + 25 / 144 = 1 + x/12 हो तो x का मान कितना होगा, तो क्या दिया हुआ यहाँ पे 1 + 25 कितना है आपको 144 बराबर 1 + x/12 है। आप क्या कीजिए दोनों तरफ आप पहले रूट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं कितना का 144 आएगा, तो 144 1 है तो वह 144 हो जाएगा, प्लस प्लस जुटेगा कितना 169 हो जाएगा बराबर एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 12 प्लस कितना होगा x हो जाएगा, तो आप क्या कि रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे ये कितना होगा 169 कितना होगा 144 बराबर कितना होगा 12 + x/144 यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को होल स्क्वायर होगा, ये 144 कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करते हैं तो 169 बराबर 12 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 144 + b² + 2ab 12 = 24x हो जाएगा।
आप देखिए 169 144 घटा देंगे, इधर आएगा कितना होगा 25 आएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस कितना हो गया 25 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 25 को गुणनखंड करिए, दो भाग में की जोड़ने या टूटने पर कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस एक्स कर देंगे माइनस 25 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स प्लस 25 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपको एक्स प्लस 25, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। दो आया आंसर आपका एक्स माइनस 1 बराबर 0 होगा और एक्स प्लस 25 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो आप देखिए एक्स बराबर कितना हो गया 1 हो गया और दूसरा एक्स बराबर माइनस 25 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए आपका ये है, ऐसे पॉजिटिव आंसर होता है इसका, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 3 × 4 × 5 4 × 5 × 6। तो इस टाइप को सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे 1 × 2 × 3 हो गया प्लस 2 × 3 × 4 हो गया प्लस 1/3 × 4 × 5 हो गया प्लस 1/4 × 5 × 6 हो गया। तो आप देखिए कि दो संख्या आप कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, देखिए 2 × 3 = 6 कॉमन आ गया यहाँ पे, 2 × 3 = 6 कॉमन आ गया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे भी आपका 6 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 निकाल लिए हैं, ये देखिए 3 × 2 = 6, यहाँ 2 × 2 = 4 होता है, 1 2 यहाँ 1 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 कॉमन आ गया, तो 1/6 आप सब जगह से कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस यहाँ पर आपको कितना बचेगा 4 बचेगा, 1/4 बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 5 × 10 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 × 20 बचेगा, ठीक है, 1/6 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा आपको 60 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 40 आएगा, 40 भी आ जाएगा, हाँ 40 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, ठीक सॉरी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो 20 आएगा, यहाँ कितना हो गया 20 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, अब 1/6 हो गया 20 × 5 = 25 25 1 कितना हो गया 26 26 2 कितना हो गया 28 कितना हो गया 20 हो गया। इसको काट देते हैं आपको 4 बार में, 7 × 28 × 5 = 20 हो गया, तो 7/ कितना हो गया 30 हो गया, ऑप्शन कहाँ 7/30 ऑप्शन बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, तो ये क्या वैल्यू किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो 6 + 6 + 6 + 6 / 6 4 + 4 + 4 + 4 / 4 है, तो सबसे पहले वो बोर्ड मास के अनुसार पहले पोस्ट का क्रिया हुआ, तो 6 × 6 = 12 6 × 6 = 24 / कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नीचे तो नीचे आपका सबसे पहले 4 + 4 + 4 + 4 ठीक है, भाग देखिए यहाँ पे 4 × 4 हो गया, भागा कितना है 4 हो गया, 4 करके कितना बचेगा 1 बचेगा, ऊपर में 24 / 6 करेंगे कितना होगा 4 आएगा, 4 × 4 = 8 × 4 = 12 एक कितना हो गया 13 हो गया, 4/13 हो गया, ऑप्शन कहाँ पर आप सब ऑप्शन नंबर सी है। आपको ये दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।